सी कौन सा एपिथीलियम, सिंगल लेयर स्क्वैमस एपिथीलियम, ऐसे ही होते हैं, याद करो, है ना। ये मैंने डाल दिया न्यूक्लियस। एक पॉइंट और याद करो, जब जो स्क्वैमस एपिथीलियम होता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करता है, याद है। एपिथीलियम जो होता है, जो वर्ड एपिथीलियम, इसका मतलब होता है ग्रो करना अपॉन किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर। तो किसके ऊपर ग्रो करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रो करता है। तो ये फिगर आप बनाओ, दिस इज द एल्वोलाई, ये क्या है हमारा, ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी होगा तो इसमें आरबीसी होगा, तो ये मैंने बना दिया आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ये हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो अभी आप ये डायग्राम बनाओ, ये एल्वोलाई है, स्क्वैमस एपिथीलियम। एक पॉइंट और आपको याद होगा, जो हमारा ब्लड कैपिलरीज है, एपिथीलियम जो लाइन करता है ब्लड कैपिलरीज को, उसको बोलते हैं इंडोथीलियम, है ना। तो ये हमारा ब्लड कैपिलरीज है, इसके एपिथीलियम को हम क्या बोलेंगे, इंडोथीलियम। एल्वोलाई के लेयर को एपिथीलियम, जो किसका था, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। ब्लड कैपिलरीज के एपिथीलियम को क्या बोलेंगे, इंडोथीलियम। और इन दोनों के बीच में, अभी मैंने बताया था आपको, जो एपिथीलियम है वो लाई करता है कहाँ पर, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। तो ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एल्वोलाई का जो एपिथीलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, इंडो ब्लड कैपिलरीज के एपिथीलियम को इंडोथीलियम, और ये जो एपिथीलियम में लाई करेगा किस पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो ये रहा हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस तीनों को मिलाकर कंबाइनली हम कहते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अभी जो लास्ट पॉइंट लिखा था वही डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फर्स्ट फैक्टर क्या था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सेकंड था डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो यहाँ तक नोट कर लिया आपने। अब मैंने एक टर्म लिया था, इसके एक टर्म बोला था पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको, तो मैं बताऊंगी आगे। तो अभी आप क्या करना है, आपको बिल्कुल इतना याद रखना है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। गैसेस का एक्सचेंज होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक प्रेशर लिखूंगी एल्वोलाई से पे के लिए, और दूसरा हमारे ब्लड कैपिलरीज के लिए। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि ये इतना क्यों हो गया, दूसरा डिजिट क्यों नहीं आ रहा है, अभी बस आप लिख लेना। तो एल्वोलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो होगा 104 mmHg। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg, ये पार्शियल प्रेशर का है, एल्वोलाई में है। दूसरा पार्शियल प्रेशर हम ब्लड कैपिलरीज में लेंगे, तो ब्लड कैपिलरीज में जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, वो क्या होगा यहाँ पर 40 mmHg। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg, ठीक है। अब देखो, हमें ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ करवाना है। एल्वोलाई में तो एटमोसफेरिक एयर ब्रीद इन इंस्पिरेशन के वक्त कहाँ आ गया, एल्वोलाई में आ गया। अब हम एल्वोलाई से इस ऑक्सीजन को कहाँ डिफ्यूज करवाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में करवाएंगे, तभी तो वो ट्रांसपोर्ट होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करवाएगा, फिर वो हमारे हार्ट में जाएगा, वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट होगा पूरे ब्लड में जाएगा, फिर हमारे पूरे बॉडी में फ्लो करेगा, है ना। तो एल्वोलाई में प्रेशर, अगर हम ऑक्सीजन को डिफ्यूज करवाना चाहते हैं एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में, तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होना चाहिए वो कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ, एल्वोलाई में। तो यहाँ पे देखो, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 mmHg है, कहाँ, एल्वोलाई में। और ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन जो है वो कितना, 40 mmHg है। तो हाई प्रेशर का ऑक्सीजन का एल्वोलाई में, लो प्रेशर का है ब्लड कैपिलरीज में। तो ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। सेकेंड,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या है हाई, ब्लड का प्रेशर में 45 mmHg है, एल्वोलाई में 40 mmHg है, तो ब्लड हाई से लो फ्लो करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कैपिलरी से हमने डाल दिया एल्वियोलाई में, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कैसे हुआ, तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऑक्सीजन का प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, एल्वियोलाई में ज़्यादा है, और कहाँ कम है, ब्लड कैपिलरीज में कम है, तो 104 mmHg से ऑक्सीजन जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आया ब्लड कैपिलरीज में, जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है 40 mmHg है, ठीक है। इसके अल्टरनेट अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल प्रेशर ब्लड कैपिलरीज में ज़्यादा है, कितना है 45 mmHg, एल्वियोलाई में 40 mmHg, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। आप इस डायग्राम को बना लो अच्छे से, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ एल्वियोलस विथ पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी, ये NCERT का डायग्राम है, तो NCERT का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप तो इसको बिल्कुल एग्जैक्ट एज इट इज़ बना लो, ठीक है। ठीक है, आई होप डायग्राम बन गया होगा। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी जो मैंने रब किया वो सारे पॉइंट को, चार पॉइंट को आपको याद रखना है, ये फिगर आपको याद रखना है। अब जो क्वेश्चन नीट में आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, खुद सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे जो बना हुआ है वो मैं बनाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई इज, फर्स्ट मोर देन दैट इन ब्लड कैपिलरी, सेकेंड ऑप्शन less than that in blood capillary, second equal to that in blood capillary,